गुड इवनिंग फ्रेंड्स, अभी हम शाम को जाके आज का ब्लॉग हम कर रहे हैं। आज बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि आज सुबह से पानी ही नहीं था और आज हम नहाया धोया भी नहीं, खाना वाना भी हम लोग सही से बनाया नहीं, बर्तन भी ऐसे ही पड़ा हुआ है, खाना भी नहीं बनाया। कल का जो पानी भात था उसी को हम लोग खाए हैं, देखते हैं अभी आता है कि नहीं पानी। बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पानी, यहाँ बाजार एरिया में हो के पानी का प्रॉब्लम है। सोचिए हाँ, नाखून से नो ये करो। तो फ्रेंड्स फाइनली पानी तो दे दिया है, आ रहा है पानी, तो चलिए ऊपर टंकी तो फुल हो रहा है तो इधर भी हम पानी खोल देते हैं ताकि मेरा ये टब जो खाली है ना उसको भर देते हैं। तो यहाँ भरने के लिए पानी खोल दिए हैं, भरना है तो सुबह को पूरा ये कपड़ा सब पड़ा हुआ धोने के लिए, और किचन कभी बर्तन उर्तन सब कुछ भी नहीं धुला है सुबह से, तो अभी पानी आ गया है तो धो देते हैं। फ्रेंड्स हम भी नहाए नहीं हैं तो हम भी नहा लेते हैं, अभी ठंडा ठंडा पानी में नहा लेंगे। नहीं खोलो, गर्मी तो गर्मी, हम बर्तन सब धोएंगे, देखते रहो अभी नहा लेते हैं, नहा ले रहे, बर्तन धो देते हैं, दोनों को देखो रे बहुत। तो फ्रेंड्स हम नहा लिए हैं तो अभी थोड़ा अच्छा लग रहा, फ्रेश लग रहा है फ्रेंड्स। तो सुबह में तो हम नहाए नहीं थे क्योंकि पानी ही नहीं था, आज पानी छोड़ा ही नहीं था उधर से, यानी उधर से पानी छोड़ा ही नहीं था, जो सप्लाई पानी आता है ना उधर से छोड़ा ही नहीं था। तो हम लोग को तो पूरा ख़त्म, ना बर्तन धोए थे ना खाना बनाया, यानी नेक्स्ट उससे पहला दिन का जो खाना बचा हुआ था ना वही वाला हम लोग खाए थे पोखाड़ो, और हमको बात करने दे दे फोटो इसको क्यों हेलो कर दे, हेलो हेलो फ्रेंड्स कर दे और वो उधर क्या कर रहा है फ्रेंड्स। तो बैठे थे पलंग में तो क्यूटी बदमाशी हो रही थी इसीलिए हम खड़े हो गए, देखो मैं पलंग तोड़ी नहीं करो, पलंग नहीं करो, नहीं करो पलंग ऐसे हिलाएगी तो टूटेगी नहीं मेरा पलंग, फिर कहाँ सोएंगे, इतना बदमाश हो ये पलंग ऐसे ऐसे हिलाते रहती है दोनों मिलके, दे नहीं करो बदमाश एक नंबर है। तो फ्रेंड्स क्या बोल रहे थे, हाँ तो ऐसे ही सुबह तो मेरा कुछ काम नहीं हुआ क्योंकि पानी नहीं था, बर्तन भी नहीं धोए थे, नहाया धोया नहीं, कपड़ा भी नहीं, फिर से आ गई सर बदमाश एक नंबर बदमाश, बात भी नहीं करने देता है, यानी बात क्या ब्लॉगिंग करने नहीं देता है, क्यूटी ज्यादा है बदमाश। तो फ्रेंड्स ऐसे आजकल हमको बनाने की इच्छा नहीं करता, गर्मी इतना है ना फ्रेंड्स, ब्लॉगिंग करने की इच्छा नहीं करता, बॉडी में एनर्जी ही नहीं आता है, जैसे लग रहा है मरियल इंसान जैसे, नहीं देखो नहीं मरियल मरियल हो गया है शरीर, आई रूम में घुसा है आई ऐसी बांध मरियल, शरीर पूरा मरियल बेजान सा हो गया,
बेजान सा हो गया, यानी खाना भी खाओ पानी भी पियो फिर भी यानी कुछ करने का इच्छा ही नहीं करता। दे माँ दे चोगला नहीं हो, दे रहे बात करने दे। हाँ चुप से इधर देखो, चुप से इधर देखो, एक क्या सब मुंह में ले रहा दे तू भी ना जो सो खाने की चीज रख। यानी गर्मी इतना बढ़ गया ना, गर्मी इतना बढ़ गया ना फ्रेंड्स, यानी कुछ करने का इच्छा ही नहीं करता है, काम भी नहीं करने का इच्छा करता है, कुछ खाने पीने का भी इच्छा नहीं करता, कुछ भी नहीं। तो इसलिए ब्लॉगिंग इच्छा भी नहीं करता कि मोबाइल पकड़ के इधर उधर करो, जितना जल्दी काम खत्म हो जाए इतना जल्दी सोए आराम करें, ऐसा फील होता है बहुत यानी खराब। क्यूटी इतनी बदमाश हो गई ना, बंद ही कर दिए, इतना बदमाश ना भगवान, क्यूटी ज्यादा अभी द्वार हम बंद कर दिए, इसलिए चिटकनी कर दिया अंदर से थोड़ा देर। तो फ्रेंड्स कुछ करने का इच्छा नहीं करता अभी, क्यों खुशी का तो छुट्टी हो गया है और क्यूटी का भी छुट्टी हो गया है, अभी सीधा जाके खुलेगा जून में। पर ऑनलाइन क्लास चल रहा है खुशी का, ऑनलाइन सुबह 8 से 11 चल रहा है, करती है क्लास और ट्यूशन भी जाती है, तो मार्क वगैरह अच्छा लाती है। तो हम बोलते हैं भाई ट्यूशन में जैसे पढ़ रही है, स्कूल का एग्जाम सब में भी वैसे अच्छा मार्क लाया करो, तो हमको थोड़ा अच्छा लगता, खुशी भी लगता है कि हाँ क्यों खुशी थोड़ा अच्छा कर रही है पढ़ाई में। नहीं तो पिछले साल हम उसको ध्यान ही नहीं दे पाए थे, क्योंकि रीजन था खुशी ना क्यूटी और बाबू इतना परेशान करता था, इतना परेशान करता था ना, अगर हम खुशी को बैठ के पढ़ाने लगे ना वो दोनों उछल कूद करेगा और मेरे को छोड़ के भी दूसरा रूम में नहीं जाएगा। हम सोचते हैं कि उसकी बड़ी दीदी होने से देखेगी और हम खुशी को थोड़ा सा पढ़ा लेंगे तो भी नहीं जाएगा, मेरे को छोड़ता ही नहीं है। अभी थोड़ा बड़ा हो गया है, जून 6 में बाबू का बर्थडे होगा, 2 साल का हो जाएगा, और जुलाई 5 तारीख को क्यूटी का बर्थडे होगा और वो 4 ईयर्स की हो जाएगी। तो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है तो थोड़ा चुप हो रहा है, अपनी दीदी के पास भी रहता है, तो उसी बीच में हम खुशी को भी थोड़ा पढ़ा देते हैं, थोड़ा ध्यान देते हैं, गाइड कर देते हैं। तो आजकल देख रहे हैं थोड़ा अच्छा ही कर रही है, तो भगवान की कृपा से ही हम तो बोलेंगे कि आगे भी अच्छा, क्योंकि अभी 6th हो गया ना, 6th क्लास में हो गया, स्टैंडर्ड 6 में है, तो हम तो चाहेंगे कि वो अच्छा ही करे, क्योंकि बड़ी वाली का थोड़ा यानी कि पढ़ाई थोड़ा सही नहीं है। अब क्या कारण है क्या नहीं हमको तो समझ नहीं आता, हम तो गाइड भी बहुत किए पढ़ाई, जब उसका एज सही था छोटा सही है, गाइड तो सही किए थे, पर अब वो पकड़ नहीं पाई पढ़ाई ना, क्या जो भी हो उसका पढ़ाई थोड़ा कम बहुत वीक है पढ़ाई में। तो अब क्या कर सकते हैं, अपना बच्चा यदि नहीं करेगा उसको ऐसे ही तो छोड़ नहीं सकते ना, देखते हैं क्या होता उसका रिजल्ट क्या होगा, भगवान करे अच्छा ही हो, जो भी हो अच्छा ही हो, यही हम तो भगवान से प्रार्थना करेंगे। बाकी नेक्स्ट है खुशी, खुशी को हमको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि तो वही हम सोच रहे, जैसा मेरा प्लानिंग है वैसा ही हम भी नहीं चाहते थे कि वो हॉस्टल जाए, जो इंट्रेंस दी थी हम बोले हाँ ठीक है दे दो, इंट्रेंस देने में क्या जाता है, देगी इंट्रेंस और कैसे तुम पढ़ रही है, कैसे तुम इंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकती है, यानी एक एक्सपीरियंस हो जाएगा ना कि एग्ज़ाम सब में कैसे लिखते हैं, यानी कैसे क्वेश्चन सब आता है। तो पर हमको इतना ये नहीं था कि हम हॉस्टल में दें, हम तो चाह रहे थे कि अपने ही आँख के सामने रखें और चलो जो भी हो अच्छा ही है। तो हॉस्टल नवोदय और आदर्श के लिए दी थी, क्वालिफाइड तो नहीं हुई, तो फिर भी कोई बात नहीं, वो सही से लौला में पढ़ाई कर रही है। तो हम सोचे थे अगर वो हॉस्टल जाती, अगर क्वालिफाइड करती है तो क्वालिफाई करती है हॉस्टल के लिए तो भेज देंगे मजबूरी में, अगर नहीं करती तो कोई बात नहीं,
उसके लिए भी कोई दुख नहीं होगा कि पास नहीं की बोल के। उसको एक्टिविटी क्लास करवाएंगे तो अभी इसीलिए हम भेज रहे हैं उसको बैडमिंटन करने के लिए, बैडमिंटन सीख रही है, हो रहा होगा 2 सप्ताह हो रहा है हम उसको भेज रहे हैं, हम ही लाना ले जाना करते हैं, तो अच्छा लगता है, वो उसको भी इंटरेस्ट आ रहा है। फिर आते साथ वो ट्यूशन जाती है तो कोई कोई बच्चा होता है ना थक जाता है, एनर्जी नहीं रहता है, पर उसका हम देखें एनर्जेटिक लड़की है, यानी 4 बजे जाती, 6 बजे आती है, 6:30 बजे ट्यूशन जाती है, 8:30 बजे आती है। अभी फिर हम उसको बोलते चलो जो होमवर्क सब करना है 1 घंटा या आधा घंटा रेस्ट लेने के बाद फिर से उसको हम करवाते हैं कुछ भी, और अगर वो थक जाती है तो सो जाती, नहीं थकती है तो करती है अपना कुछ भी, ड्राइंग वगैरह कुछ भी करती है, ये नहीं कि थक हार जाती, ऐसा नहीं। तो अभी हमको थोड़ा ध्यान देना है खुशी पे, तो यानी भगवान से हम यही प्रार्थना करते हैं, भगवान मेरे सब बच्चा लाइन अप हो जाए, और क्या, बच्चे सही से रहे, अच्छा एजुकेशन, अच्छा लाइन में जाए, और क्या चाहिए हमको। और लाइफ में ऐसा है ना फ्रेंड्स, पैसा ही सब, यानी कलयुग ही, कलयुग जमाना हो गया फ्रेंड्स, कलयुग, क्योंकि इस कलयुग के जमाना में पैसा ही सब चीज़ है, पैसा, यानी पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं, कोई किसी का वैल्यू नहीं। जितना भी अच्छा इंसान हो, जितना भी क्या बोलते हैं उसको, यानी सही इंसान हो, पर अगर उसके पास पैसा ना हो ना तो उसका कोई कदर ही नहीं। उसी जगह में अगर जितना भी बुरा इंसान हो, जितना भी पाप किया हो, जितना भी खराब गुण हो, अगर उसके पास पैसा हो ना, उसका सारा पाप धुल जाता, भुला जाता, वो 100% सही, 100 या 200, 300 जो भी बोलो भाई सब सही। अभी इस जमाना में जो कलयुग चल रहा है, कितना पाप पे पाप, सब जानते हैं कि गरीबों को हम दान दे देंगे तो मेरा पाप धुल जाएगा, गंगा में नहा लेंगे तो मेरा पाप धुल जाएगा, इसी वजह से सब पाप किए पे किए जा रहे हैं। जिसके पास पैसा है उसको क्या तकलीफ है, पैसा है तो भाई हम गरीबों को कुछ खाना दे दें, कपड़ा लत्ता हम दान कर दें, मेरा पाप धुल जाएगा। बस इसीलिए अमीर, ज़्यादातर अमीर लोग, जिसके पास ज़्यादा पैसा वही लोग ऐसा करते हैं, और कुछ नहीं। और गरीब लोग तो डरते हैं, नहीं पाप करेंगे तो पता नहीं अगल बगल वाले क्या सोचेंगे, नहीं ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है, वो लोग थोड़ा सोच समझ के ही हर चीज़ करते हैं गरीब। सही में ये तो क्या बोलेंगे, कलयुग, किसी पर भरोसा भी नहीं करना चाहिए कि वो सही है। अभी का यानी जो कलयुगी चल रहा है ना, कलयुग, हर चीज़ पॉसिबल है, हर चीज़ पॉसिबल है, ये मत बोलो कि वो हो नहीं सकता है, वो भी हो जाता है। जो इम्पॉसिबल बोलते हैं ना, इम्पॉसिबल जो बोलते हैं, वो इम्पॉसिबल नाम का वर्ड ही नहीं है, इसमें सब पॉसिबल है बोला जाए तो। क्या उसको बोलते हैं, घोड़ा जो घास खाने वाला, वो भी कल को मांसाहारी हो जाए, ऐसा हो सकता है फ्रेंड, कलयुगी है कुछ भी हो सकता है, और जो मांसाहारी है वो शाकाहारी भी हो सकता है, ऐसा होता है फ्रेंड्स, और क्या, कलयुग में चला आ रहा है तो फ्रेंड्स, और क्या, देखा जाएगा मेरा। इसलिए फ्रेंड्स आप लोग से रिक्वेस्ट है, यानी पैसा ही सब कुछ, पैसा ही सब कुछ, तो हम क्यों पीछे रहे, तो हम भी सोचे चलो YouTube से कुछ पैसा आ रहा है, YouTube में पैसा इनकम हो रहा है, तो हम भी सोचे चलो भाई पैसा हम भी YouTube से कमा ले, तो इसीलिए हम भी वीडियो बनाना शुरू कर दिए, और कुछ काम ना था हम तो घर बैठे बैठे वीडियो ही करें, वीडियो अपलोड करें और पैसा कमाए। पर तो फ्रेंड्स आप लोगों की बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है, तो सबको सपोर्ट करते हैं तो मेरा भी सपोर्ट किया कीजिए, और
और क्या, मेरा वीडियो अच्छा लगे या ना लगे, कम से कम इतना तो सपोर्ट कर सकते हैं कि हम एक सब्सक्राइब एक लाइक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बहुत खुशी की बात है। तो और क्या, सही तरीके से हम करना चाहते हैं, ये नहीं कि खराब तरीके से खराब तरीके से गलत करके वैसा हम अपना क्या बोलते हैं ग्रो नहीं होना चाहते। सही तरीके से सही काम करके हम पैसा कमाना चाहते हैं। हम अमीर नहीं हैं यार, इतना भी हम पैसा वाले नहीं हैं। ठन ठन गोपाल, जब तक मेरे हाथ में दो पैसा नहीं आएगा खुद का कमाई का, तब तक हम नहीं बोल सकते कि ये मेरा पैसा है। अगर मेरे मेहनत का पैसा होगा और मेरे हाथ में होगा तो हम बोलेंगे कि हाँ ये हम मेरा मेहनत का कमाई है। तो देखते हैं कब तक मेरा मेहनत रंग लाता है। कभी कभी तो इच्छा ही नहीं करता वीडियो बनाने का, कोई देखता ही नहीं है। इतना बुरा लगता है, क्या मेरा वीडियो इतना खराब है क्या? अब जैसा वैसे ही हम डाल रहे हैं और क्या। तो फ्रेंड्स, यही है मेरा रियलिटी। तो मुझे भी सपोर्ट कीजिए, आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। फ्रेंड्स, तो आज का ब्लॉग में बस इतना ही। खाना वाना भी बनाना है, रात का 9 बज गया, पानी भी इतना लेट में आया था ना, तो हम भी थोड़ा काम धाम करके, तो अभी 9:30 तो हो ही रहा है। तो अभी भात तो चढ़ा है, अब सब्जी वब्जी बनाना है, देखते हैं क्या बनाना है क्या नहीं। और बच्चे लोग भी बाहर, अभी तो इधर हम लॉक कर दिया बोल के शांति से हम ब्लॉगिंग कर रहे हैं। बाहर पता नहीं क्या सब कांड कर रहा होगा भाई। वो लोग के पीछे भी मेरा एक तो दिमाग भेजा आधा निकल के, दिन भर मेरा तो जब तक सोए नहीं ना तब तक जीना ही आराम करके रख देता है, और जब सोए ना आराम से भगवान। और क्यूटी ज़्यादा तो क्यूटी, बाबू थोड़ा कम है, पर बाबू भी क्यूटी का देख देख के इतना बदमाश होते जा रहा ना। तो देखना पड़ता है, संभालना पड़ता है। दिन भर थोड़ा हम फोन लेके वीडियो ही करते रहेंगे, जब समय मिलेगा तब हम कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग में बस इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। और तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए प्लीज, मुझे भी सपोर्ट की ज़रूरत है, सपोर्ट कीजिए। और क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, गलत नहीं कर सकते, बस गलत का उम्मीद भी मत कीजिएगा। बस जो है सही तरीके से ही होगा, अच्छे से ही होगा। बस मेरा वीडियो में बस अच्छा ही होगा जो है वही। तो बाय।